देखें प्लीज 1962। अच्छा 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेटा, ये हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? इट इज द, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, इट इज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लिख लें अपने पास, इट इज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा अनाउंस कब किया गया बेटा? इसको अनाउंस किया गया पहली मार्च 1962 को। किसने अनाउंस किया? देखो अयूब खान ने है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बनाया था। अयूब खान ने क्या बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस शहाबुद्दीन। जस्टिस शहाबुद्दीन, बहुत सारे लोग इनको आम जबान, आम बोलचाल के अंदर साहिबुद्दीन भी कहते हैं, जस्टिस साहिबुद्दीन, ठीक है, आम बोलचाल के अंदर, लेकिन असल नाम जो है वो शहाबुद्दीन है, ठीक है। अब अयूब खान ने एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बनाया था अंडर द लीडरशिप ऑफ या अंडर द गाइड ऑफ जस्टिस शहाबुद्दीन। उसने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस किया, मार्च, पहली मार्च 1962 को। कब अनाउंस किया? अयूब खान ने बोला इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए मैं डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन को मर्ज करूंगा, विच वॉज ऑल्सो द एम ऑफ अयूब खान रूल, विच वॉज ऑल्सो द एम ऑफ अयूब खान रूल या पीरियड। कोई मसला? अयूब यही चाहता था डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन मिलकर चले। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेटा हुआ क्या, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। कौन सा फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था? प्रेसिडेंशियल, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा कहा जाता है? वो इस वजह से ऐसा कहा जाता है, ये आप इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको रियलाइज होगा कि इसमें ओवरवेलमिंग डोमिनेंस दी गई प्रेसिडेंट को। सो थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओवरवेलमिंग अथॉरिटी was given to the president. Overwhelming authority was given to the president. कोई मसला? अब क्या क्या थे? वो ये थे कि भाई जब तक प्रेसिडेंट के ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं हो जाता, प्रेसिडेंट को उसकी सीट से कोई हटा नहीं सकेगा। जब तक कोई इल्जाम साबित नहीं हो जाता, प्रेसिडेंट को कोई हटा नहीं सकेगा। अपनी कैबिनेट के, कैबिनेट जो होगी उसमें जो लोग होंगे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। हत्ता के कहां से करने हैं? नेशनल असेंबली से। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ फॉर द कैबिनेट फ्रॉम नेशनल असेंबली। तीसरा, अदालतों के हेड्स और प्रोविंशियल गवर्नर्स कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। नेशनल लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकेगा जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने हामी ना भरी हो। अगर प्रेसिडेंट किसी लॉ के ऊपर अग्री नहीं करता तो नेशनल लेजिस्लेचर उसको पास नहीं कर सकेगा। लेजिस्लेचर किसको कहते हैं? लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर किसको कहते हैं? जो लॉ को इंप्लीमेंट कराते हैं उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं? 50वां मरतबा बताया लेकिन आप लोग बिल्कुल ही जो है ना वो। और इसी तरह प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स होगी। इमरजेंसी पावर का मतलब अगर कुछ भी होगा, खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया, सिचुएशन खराब हो गई, तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी वक्त जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करके असेंबलीज या यू नो डिसॉल्व करके कोई भी एक्शन ले सकता है। डज दैट मेक सेंस? और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला? और पॉइंट्स ये बोले कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। कुरान और सुन्ना जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम लॉज होंगे। कुरान और सुन्ना पाकिस्तान के सुप्रीम लॉज होंगे। माइनॉरिटीज को फुल प्रोटेक्शन दी जाएगी, माइनॉरिटीज को फुल प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसके अलावा एक प्रोडा जैसा एक्ट निकाला, पॉडो, ठीक है, प्रोडा जैसा बिल्कुल सेम एक्ट निकाला, पॉडो, ठीक है। पब्लिक एंड ऑफिशियल डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, इसी तरीके से एब्डो भी निकाला गया, elective body disqualification ordinance, elective body disqualification ordinance, ये सब constitution के जरिए इसने निकाले, ठीक है। अब मैं यहाँ तक, किसी को कोई मसला? अब ये बात भी जान लो सर, examiner हमसे कितनी ज्यादा expectation रखता है, हमें कितना आना चाहिए, तो मैं तुम्हें बोलूंगा, examiner सिर्फ बोलेगा ये जो यहाँ तक हिस्सा है ना, पहले point से लेकर other points तक, that's it, ये भी बहुत है, ठीक है। कब आया, किसने लाया, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई इशू, कोई सवाल इन पॉइंट्स में? अब समझ लो ज्यादा डिटेल में कि ये था क्या स्ट्रक्चर, ठीक है।
The कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, वो और वो स्ट्रक्चर किस किस्म का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो हम देखते हैं। बेटा बोलो, सबसे ऊपर कौन होगा? टॉप मोस्ट पोजिशन किसकी होगी? प्रेसिडेंट की। किसकी होगी? उसके पास क्या क्या पावर्स होंगे मैंने ऊपर बता दिए, हाँ के ना? सब बोले, जब तक उसके ऊपर इल्जाम साबित नहीं होगा हटाया नहीं जा सकता। कैबिनेट को वो अपॉइंट करेगा फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। जुडिशियरी हेड्स और प्रोविंशियल गवर्नर्स को वो अपॉइंट करेगा। हर चीज तो प्रेसिडेंट ही तो कर रहा है, इमरजेंसी पावर्स चाहिए होंगी वो ला सकता है। समझ रहे हैं बात को? कोई मसला यहाँ तक? ठीक है। सो दीज वर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेचर को पास करना है, इतना पावरफुल पार्ट है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बगैर वो पास नहीं हो सकता। वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बगैर पास नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट की पावर की, ये पावर्स थी प्रेसिडेंट के, और प्रेसिडेंट के पावर्स के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थे? प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेगा? आफ्टर ऑल बेसिक डेमोक्रेट्स। कौन करेगा? बेसिक डेमोक्रेट्स। कोई मसला? अब पूछे सर ये इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब है? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है वो बेसिक डेमोक्रेट्स जिनके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो प्रेसिडेंट को वोट कर सके, वोट बना सके, प्रेसिडेंट को बना सके। ठीक है, आसान जबान में इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है वो मजमा बेसिक डेमोक्रेट्स का जो के वोट करके प्रेसिडेंट को लाता। कोई मसला यहाँ तक? वो मजमा, वो ग्रुप जो वोट करके प्रेसिडेंट को लेकर के आता है। ठीक है, तो हमेशा अयूब खान में इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी ऑफ एंड ऑन रिपीट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन हमने प्रेसिडेंट अयूब खान को दे दी है। इसके यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लें। एक सेकेंड जी बेटा, ये एक्ट्स हैं जो अयूब खान ने निकाले थे इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट गवर्नमेंट जो है ना वो ठीक तरीके से चले, उसमें कोई इतना ज्यादा करप्शन ना। प्रोडा वाली क्लास में आप आए थे, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन है, आया था तुम्हारा? तुम लोग है ना पढ़ने, अभी आज तो मैं टेस्ट लूंगा ना उसमें तुम लोगों के लिए बंद करता हूँ। देखो खाली आज मैं तुम सबकी टांगे छत से नहीं लगाई मैंने। जी दूसरा सवाल आपका था, नहीं 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 ये होता था कि हम इलेक्शंस कराएंगे हर बार, अब वो इलेक्शंस बड़े इनकंसिस्टेंटली हुए। अभी आप देखेंगे कि 1962 में इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, 3 साल बाद इसने इलेक्शंस करवाए 1965, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शंस ऑफ 1965। थोड़ा सा टाइम पहली जंग, हमारी पहली इंडिया की जंग 1965 में हुई है ना, उस जंग से थोड़ा सा टाइम पहले अयूब खान ने इलेक्शंस कराए थे जिसमें वो जीता था और प्रेसिडेंट बना था। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? किसी को कोई इश्यू? ठीक है, प्रेसिडेंट के नीचे कौन आएगा? उसके दो आएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऊपर है और उसके नीचे उसके दो जो है ना वो है, क्या नाम है, असेंबलीज है। ठीक है, नेशनल असेंबली है एक तरफ, उल्टा वाला प्रेसिडेंट का जो लेफ्ट वाला है यानी कि पावर स्ट्रक्चर वो नेशनल असेंबली। ठीक है, और उसके साथ साथ प्रोविंशियल असेंबली। नेशनल असेंबली कौन, मुझे बच्चा लिबर्टी लेके बताएगा? सर ये सिंगल हाउस का मतलब क्या है? आपने कल बताया था, यानी देयर विल ओनली बी वन नेशनल असेंबली, देयर विल ओनली बी वन नेशनल असेंबली। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? ठीक है, इसी तरह ये जो नेशनल असेंबली है इसके इसकी ये किसके, यानी इनके पास इख्तियारात जो होंगे उनमें से इख्तियारात में फेडरल एंड सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर इनके इख्तियारात, यानी वो उनके साथ मिल करके चलेंगे। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली यानी सूबाई असेंबली, कितने मुझे बताओ जरा कितने प्रोविंसेस हैं? ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने कितने किए हुए थे? दो। अब अयूब खान देखे क्या कह रहे हैं, इलेक्टेड फॉर 5 years, पहली बात ये प्रोविंशियल कोर्ट्स, और कितने प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी? 5। पीए का मतलब है प्रोविंशियल असेंबली, पीए का मतलब है प्रोविंशियल असेंबली, यानी वन यूनिट स्कीम को अयूब खान ने एंड कर दिया, रिवर्स कर दिया। डज दैट मेक सेंस? वन यूनिट स्कीम का और क्या नाम था? वन यूनिट पॉलिसी, वन यूनिट पॉलिसी। ठीक है, समझ गए बात को, वन यूनिट पॉलिसी। ठीक है, आगे चले भाई।
इन असेंबलीज में मेंबर अपॉइंट होने वाले की, देखो तुम लोगों ने वो कहावत सुनी है कि तो मैं तुम लोग बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी एक कहावत ये है कि कितना भी आप पावर आ जाए इनके पास, एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई लेजिस्लेचर कुछ पास कर रहा है, नेशनल असेंबली में कोई बिल आ रहा है, फाइनल परमिशन किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की। फाइनल परमिशन किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की। कोई मसला कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कर ले सवाल मुझसे, पूछें पूछें अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो पहली सक्सेस क्या थी कि ये बेसिक डेमोक्रेट्स की तरफ इशारा था कि भाई बेसिक डेमोक्रेट्स अपॉइंट करेंगे या ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान वॉज स्टेपिंग टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो मुझे बताओ, कोई मुझे बोलेगा सर ये आप कैसी बात कर रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इट वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। याद करो मार्शल लॉ जब आया था 58 में, अयूब खान ने क्या बोला था, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खत्म हो गया। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने का क्या मतलब है? पाकिस्तान वॉज मूविंग टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, पाकिस्तान वॉज मूविंग टूवर्ड्स। पॉलिटिकल पार्टीज को इजाजत दी गई कि वो अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दे। मैंने बताया था 58 के अंदर जो था उसके अंदर ये बताया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर क्या था, बैन लग गया था, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बैन लग गया था। देखो ये बकवास तुम जब करती हो ना मेरी है ना फिर हटती है। थोड़ा सा ना अपने घर पे जाके काम थोड़ा होमवर्क कर लिया करो तो ये सवाल नहीं करोगी, और अभी बताने के बाद भी पूछ रही हो कब लगा था। अभी बोला 58 में लगा था, अयूब खान आएगा तभी लगेगा या उसकी पैदाइश पे लगा था? 1907 में लगाया था अयूब खान ने पैदा होते ही, या 1920 में क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई पसंद आ गई तो उसने बोला चलो मार्शल लॉ लगाता हूँ? बेवकूफ आना सवाल जवाब दे, दो तीन चार दफा बंदा दे देना जवाब उसके। अव्वल तो ये कि होमवर्क नहीं करेंगे, दूसरा मसला ये है कि जब बंदा जवाब दे तो भी सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि क्या करते ये करके आते काम। चले आगे चलते, सवाल करते रहना रुकना नहीं, ऐसे दलील होते रहोगे एंड तक, लेकिन सवाल करना रुकना नहीं, ठीक है? चलो दूसरा इसकी सक्सेस ये थी। अब सुनना, जब अयूब खान ये सारी बातें कर रहा था ना कि मैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाहर हर चीज पावर, तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने आके बोला दादा सबर तो कर, बैठ तो सही, हम भी तो हैं, तुम अपने अपनी हर चीज बनाए जा रहे हो, हमें हम लोगों को किस खाते में लिया हुआ है? तो अयूब खान ने बोला सबर करो जरा, सही है? और अयूब खान ने क्या किया, अयूब खान ने बोले भाई बंगाली और उर्दू दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अयूब खान ने बोला नेशनल असेंबली के जो भी इजलास होंगे, नेशनल असेंबली के जो भी सेशन होंगे वो ढाका और इस्लामाबाद दोनों में होंगे, ढाका और इस्लामाबाद दोनों में होंगे। कोई मसला? अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं सर ये अचानक इस्लामाबाद कहाँ से आ गया, अभी तक तो हमारा कैपिटल तो कराची ही है। तो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे इस्लामाबाद को अयूब खान ने कैपिटल बनाया था, ठीक है? और तीसरा अयूब खान ने बोला कि फिक्र ही नहीं करो यार, प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान से है तो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली कहां से होगा? ईस्ट पाकिस्तान से होगा। कहां से होगा? कोई मसला, कोई इश्यू यहां तक? मुझे बताएं, बोगरा वाला सबको याद है, मलिक गुलाम मोहम्मद और बोगरा वाला, जब कैबिनेट उसने की थी तो सिंध कोर्ट में किसने, कौन कौन था नेशनल असेंबली का स्पीकर जिसने प्रोटेस्ट किया था? मौलवी कमीजुद्दीन। कोई मसला, कोई इश्यू यहां तक? आगे चले, तो अयूब खान ये सक्सेसेस थी, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेसेस थी। पहला पाकिस्तान डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बैन लिफ्ट कर दिया गया था। दूसरा वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को शांत करने के लिए हमने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स निकाले जो उनको शायद पसंद आते। कौन कौन से? बंगाली और उर्दू को एक ही जबान मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। उसके बाद अयूब खान ने यह बोला कि अगर नेशनल असेंबली के कोई सेशंस होते हैं तो वो ढाका इस्लामाबाद दोनों में होंगे, ढाका इज इन ईस्ट पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज इन वेस्ट। फिर ये कहा कि मैं प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान से हूं तो नेशनल असेंबली का स्पीकर कहां से आएगा? ईस्ट पाकिस्तान से। कोई मसला यहां तक? सक्सेसेस में कोई सवाल है? सक्सेसेस में पूछो। मतलब
नहीं, हाँ नहीं वे सेटिस्फाई, प्रोटेस्ट करेंगे बोले, कर रहे हैं, सही है, अभी भी उनके प्रोटेस्ट इस पाकिस्तान में जारी और सारी है, ठीक है। क्रिटिसिज्म सेटिस्फाई करने के लिए बेटा रिफॉर्म्स नहीं होते, सेटिस्फेक्शन किसी किसी और तरीके से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये रिफॉर्म कभी इंसान को सेटिस्फाई कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। अब इसके ऊपर क्रिटिसिजम्स या फेलियर्स, क्रिटिसिजम्स या देखो पहला पॉइंट नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं, हाँ के ना, के बेसिक डेमोक्रेसीज को बेटा कौन इन्फ्लुएंस करता था, इलीट क्लास, कोई मसला यहाँ तक। इसी तरीके से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो किससे डोमिनेट करती जा रही थी, मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान में रिदा तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, ईस्ट पाकिस्तान में अभी भी जो है वो अनरेस्ट सिचुएशन मौजूद थी, ठीक है। ये 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन था, उसकी फेलियर्स एंड सक्सेसेस थी। किसी को कोई मसला, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अब एक छोटी सी चीज देख लो, 1962 के अंदर होता ये इंडिया और चाइना की वॉर हो जाती है, इंडिया और चाइना की। ये तुम्हारा कोर्स का एसएच पार्ट नहीं है, स्पेशली चैप्टर नंबर 12 के अंदर। तुम्हें ये अयूब खान में क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अयूब के दौर में हुआ था। इंडिया और चाइना की वॉर हो जाती है बॉर्डर इशू, हम हिमालयन बॉर्डर इशू के ऊपर, ठीक है। होता क्या है, पाकिस्तान जो है वो फुल किसको सपोर्ट करता है, चाइना को। तो हमारे ताल्लुकात किससे अच्छे हो जाते हैं, चाइना से, और किससे खराब हो जाते हैं, इंडिया से। समझ गए बात, कोई मसला? अब हम आएंगे 1965 के इलेक्शंस, इलेक्शंस ऑफ 1965, ठीक है, इलेक्शंस ऑफ 1965। यहां तक किसी को कोई मसला है? नहीं। देखें 1965 इलेक्शंस हैं और यही टाइम है जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की फर्स्ट वॉर हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया की फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया पाक। कोई मसला? अब जरा सुने, ये इलेक्शंस हैं क्या? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, लिख लें अपने पास, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस। Does that make sense? कोई मसला है यहाँ तक? Elections कराए अयूब खान ने प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 1965 में, 1965 में, ठीक है। अयूब खान को नॉमिनेट किया एक न्यू पार्टी ने, कन्वेंशन मुस्लिम लीग। क्या नाम था? कन्वेंशन मुस्लिम लीग, कन्वेंशन मुस्लिम लीग। कोई मसला है यहाँ तक? हुआ क्या, अयूब खान ने ये सोचा कि मैं बड़े इजीली जीत जाऊंगा क्योंकि बेसिक डेमोक्रेट्स मेरे साथ हैं, मुझे ही वोट मिलने हैं, ठीक है। लेकिन अयूब खान ने ऑपोजिशन पार्टीज की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ऑपोजिशन पार्टीज चूंकि अयूब खान से बहुत बेजार थे, मैंने आपको बताया रिदा वाला सवाल के भाई ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग भी तंग थे, वेस्ट में भी लोग तंग थे। तो लोगों ने क्या किया, ये सारी 8 पॉलिटिकल पार्टीज मिली, 8 से 10, इन लोगों ने अयूब खान के अगेंस्ट एक अपना कैंडिडेट खड़ा किया, मोहतरमा फातिमा जिना। फातिमा जिना को बोला कि आप लड़े इलेक्शंस, अयूब की तो आप बजा के रख देंगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज थी, 8-10, ये डिपेंडिंग ऑन द हिस्टोरियन यू रीड, वेरी करता है फिगर। खैर, तो ऑपोजिशन पार्टीज ने क्या किया, ये लोग जमा हुए और इन्होंने अग्री किया कि हम किसको बेटा लाएंगे। सो अब डिबेट हो रही है अयूब वर्सेस फातिमा जिना। कोई मसला? इलेक्शन जब हुए तो रिजल्ट बड़े चौंका देने वाले थे। अयूब को 64% वोट मिले, कितने? और फातिमा जिना को बेटा कितने मिले होंगे? 36। कैसा फिगर दे रहे हो यार, 36%, कितने मिले? 30। तो जो फातिमा जिना को सपोर्ट करने वाली पार्टी थी, उन्होंने ये बोला कि अयूब खान ने डिस्क्रिपेंसी क्रिएट की है, या अयूब खान ने जो है वो वोट्स में चीटिंग की है, सॉरी, यस, धोखेबाजी की है। कोई मसला यहाँ तक? उन्होंने ऑपोजिशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और इस वजह से कराची ईस्ट पाकिस्तान में लोग कत्ल वगैरह होना स्टार्ट हो गए। कोई मसला यहाँ तक? क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टी थी, कहा यह जाता है, इसमें एक एग्जांपल लिखनी है, अगर किसी को लिख लो, मैंने यहाँ भी लिखी। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑपोजिशन पार्टी थी, दे किल्ड 20 सपोर्टर्स ऑफ अयूब खान इन कराची, they killed 20 supporters of Ayub Khan in Karachi. किसी को कोई मसला है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले।